कैथल की अंबेडकर कॉलोनी के एक व्यक्ति की हुई मौत, मां बेटी ने लगाए दामाद पर आरोप। आपको बता दें कि कैथल जिला परिषद के पास अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले 68 वर्षीय रोशनलाल की मौत हो जाती है, जिसके मौत के आरोप उसी के छोटे दामाद राजीव गुंग पर लगते हैं। देखे मृतक के परिजन व पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। शाप चाहिए मेरा घर वाला का बेल्ट गाल का मैं। अच्छा। कौन से गांव, कौन सी कॉलोनी से आप? मैं अंबेडकर कॉलोनी से हूँ जी। मृतक का क्या नाम है? रोशन लाल है जी। अच्छा, क्या हुआ था जी, क्या आपको सूचना मिली थी? सोचना जी, मेरे कई दिन तक पीछा पड़ रहा था जी, आदो का यू। कौन पड़ रहा था जी? राजीव जी गेहूँ वाला, छोटा जमाई। अच्छा जी। ना जानता मारूंगा, कदे मार दू बाल्ट गाल का मारा जी, एर का ना फिर यू गली मुको बैज का लोगों ने छटवाया जी, पानी पुनी पियाया। फिर मेरे पास सोचना करी फोन मैं बुलाई, फिर मैं नांदा पै गया जी, कुत्ते जो लाल गिरदा हुआ था बेल्ट गाल लिया मैं, सांस नहीं आवा था इसका। ऐसे जो ये घटना हुई आपकी कॉलोनी में हुई है? नहीं जी, पीजे में जी, जिला प्रसिद्ध है जी। अच्छा, वहाँ आए हुए थे वो? हाँ जी, आने लग रहा था घर का। नहीं जी, आगो को एर करना गली में को ऊपर को आया करना हेर लिया जी। इसके जी पहला बेटी काट दी थी, मैं बताऊंगी जनाब, बेटी काट दी थी मेरी, बेटी कौन थी घर पर जी, न्यू बोले मेरे बच्चे दे, यू बोले मेरे पास बच्चे को नहीं, मेरा घर को नहीं आ रही है, बोले तना घर तक काट दिए तो टो अपनी ना, मेरा कोई दोस्त नहीं जी, मेरा घर तक लिकड़ेगी जे मैं दूंगा बेटी, तेरा घर तक लिकड़िया तो अपने ना टो, मैं ना छोरी चाहिए मेरी। फिर ये जो वारदात हुई है या किस टाइम हुई है जी? जी हाँ, वही है 10-11 के बीच में जी। आज कल शाम को सवेरे फिर 24 को वो पूरा आ लिया। अच्छा, उसके साथ शराब पी है, उसके जमाई है छोटा। आखिर जमाई ऐसे हो वह तो बेटिया की शादी ना करे कोई भी, आखिर जमाई ससुर की हत्या करे तो हमें इंसाफ चाहिए है, मेरे पापा का मैंने इंसाफ चाहिए है। अच्छा, उम्र कितनी थी मेरी तक? उम्र 68 है। अच्छा, आपको क्या सूचना मिली थी? मेरे को सूचना मिली है कि तेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मैं यहाँ आई 1 बजे के करीब, मैं आई तो मेरे पापा का आवाज़ नहीं थी, आवाज़ नहीं थी, मैंने पूछा पापा तेरी आवाज़ क्यों नहीं है, नुके मेरे को शराब में पियाया, महा किसने, तो उसने इशारा करके बताया मेरे को कि राजीव ने, तो मैं इसका इशारा समझ गई। मेरी मम्मी ने भी इशारा करके ही बताया था कि मेरे तय शराब में पिलाया, राजीव के साथ ही शराब पी है, हमने शक है कि उसने ही शराब में पिलाया। एफआईआर दर्ज होगी जी पुलिस प्रशासन? हाँ। के मांग करोगे? हमें इंसाफ की मांग है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है। हमें सरकार और प्रशासन से यही उम्मीद है, आखिर हमारी उम्मीद टूट गई ना तो ये हत्या आंदी रहेंगी आगे भी जी। मेरा डैडी यही दिहाड़ी मजदूरी, अब तो जी बुजुर्ग हो गए थे, कबाड़ी चुक के अपना दारू पानी का काम चला में थे। मेरा भाई है जी, एक भाई है मेरा, शरीफ है, बोला बाड़ा है, उसको इस बात के बारे में तो कुछ ही नहीं पता। मेरा नाम रामीर है जी। अच्छा, क्या सूचना मिली थी आपको? मैंने कल मेरे पे 12 से 1 बजे के बीच फ़ोन आया था जी। अच्छा। मेरी सास का। अच्छा। कहा भाई तेरा ससुर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप यहाँ पर आ जाओ। अच्छा। तो मैं मेरा काम को निपटा कर 2 बजे से आया यहाँ पे, आकर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भी डॉक्टर साहब क्या कंडीशन है। डॉक्टर साहब बोलो भी कंडीशन ना चुका, हम तो इसको रेफर के लिए तैयारी कर रहे हैं। महा जी रेफर कहाँ पे? कहा एंडो से होना है इसका टेस्ट, कहा एंडो से करनाल में नहीं है, और मतलब यहाँ तो है ही नहीं, करनाल भी नहीं है, इसको तो चंडीगढ़ रेफर करना पड़ेगा। तो जी मैं 3 बजे यहाँ से रेफर करवा कर मेरे वापस काम पर चला गया जी। तो इसको चंडीगढ़ रेफर के लिए ये चले गए, ये मतलब डेरा बसी से 4 किलोमीटर आगे जाकर पूरे हो गए जी। अच्छा, क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, कुछ पता लगी हो? घटना तो जी जैसा तो मेरी सासू ने मेरे को बताया था, भाई जो मेरा साडू है राजीव यहाँ से है गेहूँ से। अच्छा। हाँ, कोई 5-6 दिन पहला इनकी मार पिटाई हुई थी जी। अच्छा, किस मुद्दे में मार पिटाई हुई थी? बस वो मेरी साली थी, उनको लड़ लुड़ के अपने घर आ गई होगी जी। अच्छा। वो कहे भाई तेरे पास है, वो इनके पास भी नहीं आई, मेरी सासुर के पास भी नहीं आई, फिर वो नू ही कंधर ना तारे पास है देव, ना तारे पास है देव। मेरे ससुरा बोले अभी मेरे पास नहीं है, तो घर जाके देख ले। कहा थम जा तेरी बहन की गाली गुली देख है जी, उसका मार पिटाई भी करी और ऐसे गले में बेल्ट डालकर दोनों साइड तक ऐसे सार ली।
अच्छा बताया जा रहा खट्टे बैठे थे उस टाइम तो? नहीं ये उस टाइम नहीं, खट्टे बैठे थे जी। तो गले में बेल्ट डाल के सार ली जी, उसका जुगुड़ जुगाड़ आगे आ दाएं बाएं से लोग आगे कहा भाई ना बुजुर्ग है क्यों मारना हो रहा तो इन्हें, तो छुड़वा दिया जी। ये फोन कर दिया मेरी सासू उसको लेगी, उस दिन तक बाद उसके गले में खाने को कुछ गया ही नहीं, ये चमची गला दलिया दुलिया थोड़ा बहुत गिरती रही। तो परसों शाम को दारू दुरू पिया ही करा था ये मेरा ससुरा, तो परसों शाम को ये चौंक पा गया दारू पीने के लिए यहाँ पे छोटूराम चौंक करनाल रोड, यहाँ पे दारू पी है ये, टोके भी गए हैं शाम को, घर नहीं गया मेरा साला ही है खड़ा कल्ला ही है बेचारा, तो अपना ये टोका गया नहीं मिला। फिर इनके पास 10 से 10:30 बजे फोन आया यहीं से डॉक्टर साहब का, कहे जी रोशन लाल के साथ घर से बोल रहे हो, कहा हाँ जी, कहे जी इसकी कंडीशन ज़्यादा नाजुक है और आप यहाँ पे आओ। अच्छा FIR दर्ज होगी जी? FIR दर्ज होगी जी। अच्छा क्या चाहते हो? बस हम तो यही चाहें जी, अगर वो गलत है जो उसको भी ना छोड़ा जाए, अगर वो मतलब निर्दोष है तो उसको तंग भी ना करा जाए जी। जी ठीक है। ये हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई है कि एक रोशन लाल है, इसकी संदेहजनक परिस्थिति में मौत हो गई है, जिसके बारे में घर वाले को स्टेटमेंट लेके नियमानुसार कार्रवाई जारी है। तो अभी तक कोई आरोप नहीं लगा अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने लग रहे हैं, और जैसे भी होगा कार्रवाई की जाएगी।